इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के विजय श्री नगर में रहने वाले हरि सिंह नामक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एरोड्रम थाना प्रभारी अशोक कुमार पाटीदार की माने तो आधी रात को सूचना मिली थी कि विजय श्री नगर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि युवक ने अपने कमरे में फांसी पर लटका हुआ है। पुलिस ने युवक का शव MY अस्पताल पहुंचाया जहां उसकी मौत हो गई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हरि सिंह का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और 2.5 वर्ष पहले भी आत्महत्या का प्रयास कर चुका है। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुँचा दिया है। क्या का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? थाना एरोड्रम में रात में एक प्यारेलाल नामक व्यक्ति ने सूचना दी कि उनका लड़का देवी सिंह, जिनकी उम्र करीबन 35 साल है, उसने रात में 11 बजे पूजा का करने का बोल के जब अंदर गया तो उसके बाद वो बाहर नहीं आया। तो इनके द्वारा देखा गया कि जब 3-4 घंटे हो गए पूजा करने के लिए बोल के गया और अपने बाहर नहीं आया। इन्होंने रात में 3 बजे दरवाजा तोड़ा तो देखा तो फांसी लटका हुआ था और उसकी डेथ हो चुकी। सर किसी प्रकार से कोई सुसाइड नोट, क्या कारण नहीं, कोई भी सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है इसकी। इसमें प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि इसकी शादी को 7 वर्ष हो गए और शादी के ठीक बाद पत्नी चली गई थी जो UP की रहने वाली है। उसके बाद से इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। करीबन 2.5 वर्ष पूर्व भी इसको द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया था लेकिन तब भी इसको बचा लिया गया था। इसका इलाज हुआ था, इसने फांसी लगा ली थी, बच गया था। सर कहाँ का रहने वाला था, मृतक का क्या नाम? ये विजय श्री में रहने वाला था, इसका नाम देवी सिंह। सर कहाँ मजदूरी करता था? इसके पिताजी कहीं गार्ड की नौकरी करते हैं, दो अन्य भाई हैं, जो दोनों भाई अन्य भाई भी मजदूरी करते हैं। इसका परिवार में इसके पत्नी के अलावा इसके बच्चे नहीं है और पत्नी भी 7 साल से मायके में उत्तर प्रदेश में रह रही है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट TV पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।